नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकी। आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेडिंग एल्बम फोटोग्राफी के कवर पेज को 12x18 को कैसे बनाना, ये चीज़ देखेंगे। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करेंगे जो जिप फाइल रार मटेरियल की, उसमें एक पासवर्ड लगा होगा जो कि वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं कि प्रोसेस क्या है, कैसे काम करती, कौन कौन सी प्रोसेस कहाँ होगी, इस चीज़ को देखेंगे समझेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारा चैनल आर्ट बालाघाट का सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब में सर्च करेंगे VICKEY क्रिएशन, विकी क्रिएशन, तो आपको नंबर सेकेंड नंबर पर या फर्स्ट नंबर पर ये चैनल मिल जाएगा विकी क्रिएशन का। तुरंत सर्च करके आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, ये हमारा सेकेंड चैनल है, और ऑल पे बेल बटन को सेट कर लें। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सेकेंड चैनल विकी क्रिएशन की लिंक मिल जाएगी, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू मैं यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी की बेसिक वीडियोस लेके आता हूँ, और एल्बम से रिलेटेड भी टॉपिक इस पर कवर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल छोटी छोटी ट्यूटोरियल में बहुत ही आसानी से टिप्स एंड ट्रिक की चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ, तो देखेंगे। और अब हम शुरू करेंगे फोटोशॉप 7.0 में ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे, और इसमें कोई भी फिल्टर्स प्लगइन यूज़ नहीं करने वाला हूँ मैं, बिल्कुल ईजी वे में मैं ये चीज़ काम करूँगा। यहाँ देखेंगे दो फोटो लेने वाला हूँ, यहाँ सबसे पहला फ़ोटो है, इसको सिंगल वे में लेके आ गया हमें, और यहाँ से मैं कुछ चीज़ों को बताऊँगा वो क्या है। इसमें देखेंगे प्रीमियम तरीके की ये चीज़ है, इस चीज़ को अब आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे से मैंने बनाया है, लेकिन यहाँ अगर कोई चीज़ नहीं नज़र आती, कोई चीज़ बेहतर नहीं लगता, तो लैपटॉप की स्क्रीन से बना रहा हूँ, तो कलर करेक्शन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है मेरी समझ से। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा गड़बड़ी हो भी तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने बेहतर करने की कोशिश किया है। अब ये जो PhD मेरे पास रखी हुई थी, ऑलरेडी इसको किसी ने डिज़ाइनिंग किया हुआ है, लेकिन क्या मैं यहाँ पर ये चीज़ को कॉपी करके बताना चाहता हूँ या फिर कोई और चीज़ बताना चाहता हूँ? तो ये जो चीज़ बनी हुई है इसको तो ऐसे ही रहने देने वाला हूँ। इसका साइज़ देख लेंगे, इमेज साइज़ 12x18 200 के रिजोल्यूशन के साथ है, आप 300 को रिजोल्यूशन देंगे। यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये जो बनी हुई है फ़ोटो काफ़ी बेहतर है, इसको सही डिज़ाइनिंग किया गया है, लेकिन हम इसको कैसे डिज़ाइनिंग अपने तरीके से करेंगे। तो यहाँ से मैं डिलीट करूँगा, फाइल डिलीट करूँगा, और ये फाइल डिलीट कर दिया, यहाँ से ये फाइल भी डिलीट कर दूँगा, ये फाइल बची हुई है, इतनी फाइल बची हुई है, और यहाँ से सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। यहाँ से डेट चेंज कर लेंगे कितनी तारीख की थी, और बस इतना काफ़ी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ करना चाहता हूँ, मैं बनाऊँगा 16:9 में, लेकिन यहाँ पर मैंने 16:9 में बनाया था तो वो थंबनेल में लगाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ से 16:9 में बनाऊँगा इसको वापस, इसको अनचेक कर देंगे, यहाँ से इसको अनचेक, 16:9 और 200 का रिजोल्यूशन, ओके कर दिया मैंने। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ से ट्यूटोरियल स्टार्ट होगा, ये सब चीज़ कट कर दूंगा मैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं ले आऊँगा, यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन में ही है। अब यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये रूलर वाली लाइन को हटा दूंगा, हटा दिया। यहाँ पर आप शुरुआत कहाँ से करेंगे ये समझते हैं, फाइल में ना है, सबसे पहला फ़ोटो ये लिया मैंने, सिंगल वे में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, फाइल कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से इस फ़ोटो को कटिंग करना पड़ेगा देखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर कटिंग किया हुआ है पेन टूल के ज़रिए, तो पेन टूल में जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर पैच नहीं बना, लेकिन मैं बता दूँ आपको कि पैच यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। कहाँ है पैच? ये है पैच, और देखेंगे ये चीज़, अगर मैं कटिंग करता तो आपके पास में ये जो सिलेक्शन बना हुआ ऑलरेडी, ये सिलेक्शन बन जाता। कंट्रोल के साथ इस पैच को एक्टिवेट करूँगा तो ये कटिंग हो गई। सीधी भाषा में बताऊँ तो बैकग्राउंड बिल्कुल आसानी से आपको डाउनलोड हो जाएगा। आप किसी भी फ़ोटो को कटिंग कर लीजिए, कटिंग करना नहीं आ रहा है, दोनों ही चैनल पर मैंने कटिंग करने के ट्यूटोरियल डाला है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये मैंने कटिंग कर लिया, सीधी भाषा में बताया जाए तो मैंने फ़ोटो को कटिंग कर लिया है, इसको सिंगल वे में मूव करा के यहाँ ले आऊँगा मैं, और इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं, फ़ोटो को ले आया मैं यहाँ पर, बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ से आल में सिलेक्ट करना है, और यहाँ से कट सिलेक्ट करना है, कट कर दिया। अब ये लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा। ये बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इधर आना है, लोड लोकेशन में क्लिक कर देना है, क्योंकि मैं इस PhD में बना रहा हूँ जो कि डाउनलोड लिंक दे रहा हूँ, इसलिए इसके तरीके से बताऊँगा। ये सिलेक्शन हो गया,
और यहाँ से आना है और यहाँ पेस्ट इन टू में क्लिक कर देना, फोटो यहाँ पर अंदर चले गए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, शिफ्ट की बटन प्रेस करके इसको छोटा बड़ा करना है। मैंने क्या किया नहीं पता, पेस्ट किया मैंने यहाँ से, और पेस्ट करने के बाद इधर पे आना है और फ्री ट्रांसफॉर्म, अगर ये टूल बॉक्स नहीं ओपन शो हो रहा है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो और यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म में क्लिक जैसे ही करेंगे एक्टिवेट हो जाएगा, और शिफ्ट और अल्टर की बटन के साथ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, और सिंगल शिफ्ट से करेंगे बड़ा तो एक ही साइड से बड़ा छोटा होगा। ये चीज़ कर लिया आपने, कर लेंगे मुझे उम्मीद है, इससे ज़्यादा बेसिक चीज़ें आपको नहीं समझा पाऊँगा। वापस यहाँ से और एक फ़ोटो और क्रॉप कट करना है, इस लेयर पे हम सिलेक्टेड हैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से ये वाला टूल लूँगा मैं, पैच टूल लूँगा और यहाँ से मैं कट लगाऊँगा। इतना फ़ोटो मुझे दूल्हे का चाहिए, कट कर लिया, मूव टूल पे आ गया और यहाँ से कॉपी कर लूँगा, बस इतना काफ़ी है, कॉपी कर लिया मैंने। और ये जो लेयर है इसको मैं कंप्लीट ग्रे कलर, हल्का ग्रे टाइप का कर देता हूँ बस। ठीक है, अब इसको डब्लू सिलेक्ट करके सिलेक्शन बना लिया, क्या किया नहीं समझ में आया, ग्रे कलर करने के लिए ये वाइट है, पहले यहाँ से कॉपी किया था हमने, इसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ से हम हुई एंड सेचुरेशन में आएंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज कर देंगे, बस इतना काफ़ी है। मैजिक वांड टूल लूँगा, सिंगल क्लिक कर दूँगा और यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। अगर ये चीज़ पेस्ट नहीं होती है तो यहाँ से लेयर भी आप नंबर दो का सिलेक्ट कर सकते हैं। पेस्ट कर दिया, इसको हल्का सा जूम करूँगा, बस याद रखिए यहाँ से आपने जो कटिंग किया था ये कटिंग आपका दिखना नहीं चाहिए, इतना काफ़ी है, बस हो गया। और पीछे वाला जो लेयर है नंबर दो वाला लेयर, ये नंबर दो वाला लेयर, इसमें एक स्ट्रोक लगाएंगे हम। स्ट्रोक कैसे लगाएंगे, यहाँ से स्ट्रोक लगाएंगे, वाइट कलर कर देते हैं इसको तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, बस इतना काफ़ी है। ओके कर दिया, स्ट्रोक लगा लिए। अब यहाँ एक और फ़ोटो लगानी है, वो फ़ोटो ये वाली फ़ोटो है, इस फ़ोटो को ले आएंगे और यहाँ छोड़ देंगे। याद रखेंगे इस फ़ोटो का कटिंग करके ऑलरेडी रख लिया है मैंने, अगर आप चाहें तो फ़ोटो को कटिंग करके रख सकते हैं या फिर आप अपने तरीके से करेंगे। फ़ोटो कटिंग करना अगर नहीं आ रहा है तो आप आर्ट बालाघाट, विकी क्रिएशन दोनों ही यूट्यूब चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। कटिंग करने का बहुत ही आसान और एडवांस और बेसिक चीज़ों को समझाते हुए मैंने कटिंग करना भी सिखाया है। यहाँ से मैं इसको मूव करा के लेके जाऊँगा, यहाँ पर मुँह करा के लेके आया, यहाँ तक आ गई फ़ोटो हमारी। अब यहाँ से आने के बाद दो चीज़ों को देखना होगा आपको, वो ये चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ यहाँ से देखेंगे कि काफ़ी ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ये साइड में जो बाल हैं, ये जो बाल है काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हैं। इसके लिए चेक करने के लिए लेयर मोड में आना है, लेयर लाना है यहाँ से, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ लेयर पैनल को, ये बड़ा कर लिया। और यहाँ से देखेंगे इस वाले लेयर को मल्टीप्लाई में यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ ध्यान देंगे तो इसको थोड़ा जूम करूँगा फ़ोटो को, और इस वाले लेयर मोड को अगर मैं बदलता हूँ, मल्टीप्लाई की जगह कलर बर्न करता हूँ, तो ये काफ़ी बेहतर बैकग्राउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, देखेंगे ये कलर बर्न में ज़्यादा हो जा रहा है, तो इतना काफ़ी बेहतर है। लेकिन इसको मैनिपुलेट करने के लिए क्या करना होगा अब बता देते हैं, कि ये वाले फर्स्ट वाले लेयर पर रहना है, देखेंगे जो कि ओरिजिनल लेयर है, इस लेयर पर रहते हुए इरेसर टूल की मदद लेंगे, यहाँ से सेट कर लेता हूँ कुछ चीज़ों को मैं, यहाँ से स्मॉल थंब में, और यहाँ से कोई भी रेंडमली चूज़ कर लूँगा, और इसको 100 ना रखते हुए 26, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होता है इस चीज़ों को, हेयर कटिंग में थोड़ी चीज़ों को मैनिपुलेट करना ही होता है। यहाँ तक हो गया, बस इतना काफ़ी है। इसको और इसको कंट्रोल जी के साथ में ग्रुप करना था, लेकिन मैं ग्रुप नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर, क्योंकि फ़ोटोशॉप 7.0 में अगर मैं इसके साथ में इसको मर्ज कर दूँ, कंट्रोल ई का बटन दबा दूँ, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो इसको मर्ज नहीं करना है। फर्स्ट वाला लेयर ये है, सेकंड वाला लेयर ये है, ठीक है, ध्यान देंगे सेकंड वाला लेयर ये है, तो हमको सेकेंड वाले लेयर को कर देना है डिलीट, यहाँ से इतना पार्ट, या डिलीट नहीं भी करते हैं आप तो क्या करना है आपको, इसके साथ में तो लिंक है, आप पहले परफेक्ट जमा लीजिए कि हमको फ़ोटो कितनी बड़ी रखना है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके फ़ोटो को सेट कर ले रहा हूँ कि मुझे इतनी बड़ी फ़ोटो चाहिए, ठीक है, सेट कर लिया मैंने। अब नीचे वाले लेयर को और ऊपर वाले लेयर को नोटिस करेंगे, ये लेयर है, इस लेयर को यहाँ तक रखना है और डिलीट करना है मुझे, यहाँ से इतना डिलीट कर देना है, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा, क्लियर कर दिया।
डिलीट हो गई, क्या किया कुछ भी समझ नहीं आया होगा, तो फिर से बताता हूँ, शुरू से बताऊँगा मैं। ये दोनों लेयर अपने पास में है, ये लेयर क्या काम कर रहा है देखेंगे। ये जो लेयर है ये बालों को दिखाने का काम कर रहा है, और ये जो लेयर है ऊपर फेस को दिखाने का काम कर रहा है, ध्यान देंगे। और नीचे वाला लेयर अगर बंद कर देता हूँ देखेंगे बाल कैसे नज़र आ रहे हैं, इसलिए दोनों ही लेयर को रखना अनिवार्य था है। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद में एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, फर्स्ट वाले लेयर पर रहते हुए थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे, ब्राइटनेस थोड़ा कम और कंट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा, देखेंगे अब बाल काफ़ी ज़्यादा मैचअप हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, बस मैच हो गए। और यहाँ से अब इसको डिलीट करूँगा, फर्स्ट वाले लेयर की आँख बंद कर देंगे, सेकेंड वाले ये वाला टूल लेंगे, सेकेंड वाले टूल से इसको क्लियर कर लूँगा मैं, इसके नीचे वाले लेयर को क्लियर कर लिया, बस इतना काफ़ी है। मूव टूल पे वापस आ गया, इस वाले लेयर पे रहते हुए वापस इसको एक्टिवेट करना है, इसके ऊपर एक मास्क बनाना है, मास्क बना लिया। और अब हमें को यहाँ से फ़ोटो को डिलीट करना है, यहाँ तक आना है और यहाँ से डिलीट कर दूंगा, डिलीट नहीं हो रहा है, नहीं होगा, अब हो गया डिलीट। अब यहाँ से इस वाले लेयर को सिलेक्ट करूँगा, ये कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया और इस वाले लेयर पे रहते हुए वापस डिलीट कर दिया। अब आप देखेंगे कि परफेक्टली यहाँ से कटआउट सेट हो गया है, लेकिन इस लेयर को पूरा पूरा लेयर, ये और ये लेयर, दोनों लेयर को पीछे ले जाना होगा, पीछे मतलब इस फोटो के पीछे। तो यहाँ से इसको नीचे ले आएंगे हम, इसको यहाँ तक ले आए, और नीचे लाना है यहाँ तक ले आए, और इस वाले लेयर को उठा के इसके ऊपर ला लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, लेकिन इसको इसको ऊपर और इसको नीचे, ये ठीक है। अब ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली सेट हो चुकी है। और अब आपका इसका यूज़ एल्बम डिज़ाइनिंग हो, चाहे सॉरी एल्बम डिज़ाइनिंग में इसका प्रिंट आउट करके काफ़ी बढ़िया तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको गौर से देखिए, अगर कहीं चीज़ प्रॉब्लम करती है, कोई भी परेशानी आती तो भाई बैठा है, सवाल जवाब करेगा, कोई परेशानी आती तो पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे भी आके कमेंट भी कर सकते हो, वेबसाइट ज़रूर चेक कर लेना। अब बात करते हैं इसका डाउनलोड लिंक का प्रोसेस। तो डाउनलोड लिंक का प्रोसेस क्या है, ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, यहाँ आना है, इसको ज़िप फॉर्मेट में बनाऊँगा मैं, तो ज़िप फॉर्मेट में जो भी पासवर्ड डालूँगा मैं, ये पासवर्ड आप डाउनलोड करेंगे। ज़िप में आऊँगा, यहाँ से मैं फास्ट टेस्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पासवर्ड लगा दे रहा हूँ, पासवर्ड लगाऊँगा मैं बालाघाट विकी, ये मैंने पासवर्ड लगाया है, और इसको ओके क्लिक कर दूंगा। ध्यान से देख लेंगे छोटे अक्षर बड़े अक्षर कैसे हैं ये पासवर्ड, इसको नोटिस करेंगे कि सामने का बी बड़ा है और विक्की का वी बड़ा है, ये नोटिस करेंगे, वी ए बी ए एल ए जी एच ए टी वी आई सी के ई वाई, ये पासवर्ड है, इसको नोटिस कर लेंगे, ओके कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ। अब जब भी अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसका पासवर्ड क्या होगा, इसको एक्सट्रैक्ट अगर मैं करता हूँ तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो बड़ा बी बालाघाट लिखना है कंप्लीट, और छोटा बड़ा बी और बाकी विक्की लिखना है, और ये पासवर्ड जैसे ही करेंगे वैसे ही यहाँ पर एक फोल्डर के साथ ये फाइल बन के आ जाएगी आपकी, जो कि ओरिजिनल फाइल है। तो देखेंगे, इसको ओपन करा के देख ले रहा हूँ, फाइल आ रही कि नहीं आ रही, ये फाइल आ गई, ओपन करा के देख लिया मैंने। तो बस यार यही चीज़ थी, कैसा लगा ट्यूटोरियल कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल आर्ट बालाघाट को ज़रूर सब्सक्राइब करो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती होगी ध्यानपूर्वक देखिए, और हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें स्पीड हो रही करके आप लोग कमेंट करते हो, तो यूट्यूब में एक बटन होता है सेटिंग में जाके स्पीड स्लो डाउन का, तो -1.25 कर ले, उसको स्लो करके सुनेंगे तो आपको 100% चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो बस यार आज के लिए सिर्फ यही चीज़ थी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।